ये 10 चीज़ें खाएं और इम्यून सिस्टम को बनाएं मजबूत। यह मौसम कई मौसमी बीमारियों को साथ लेकर आता है, यह हम सभी जानते हैं, फिर भी हम बीमार हो जाते हैं। आप अक्सर सोचते हैं कि काश कोई ऐसा उपाय होता कि हम बीमारी से बचे रहें। आपको पता है कि आप बीमार क्यों होते हैं? दरअसल बीमार होने के पीछे सबसे प्रमुख कारण है आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता इम्यून सिस्टम का कमज़ोर हो जाना। जैसे ही आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, ये रोगों का डटकर सामना नहीं कर पाता और इस स्थिति में आप बीमार हो जाते हैं। अगर आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमज़ोर ही ना होने दें तो बीमार होने की आशंका बेहद कम हो जाएगी। आज हम आपसे कुछ ऐसी ही चीज़ों पर बात करेंगे जिन्हें अपने भोजन में शामिल कर आप अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत बना सकते हैं और हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। लहसुन। लहसुन के लाभदायक गुणों का उल्लेख हमारे आयुर्वेद और पुराणों में भी है और आज भी डॉक्टर इसकी खूबियों के मुरीद हैं। हॉस्पिटल के डॉक्टर के अनुसार लहसुन में सल्फर पाया जाता है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का काम करता है। यह एंटीबायोटिक्स का काम करता है और कई बीमारियों से बचाने में मदद भी करता है। मशरूम। मशरूम सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। डाइटिशियन सुषमा कुमारी के अनुसार अच्छे स्वास्थ्य के लिए मशरूम का सेवन बहुत ही जरूरी है। मशरूम वाइट ब्लड सेल यानी कि WBC को बढ़ाने का काम करता है। WBC हमारे लिए बेहद जरूरी है। हमारे शरीर में प्लेटलेट्स बनाने और इम्यून सिस्टम बढ़ाने का काम WBC ही करता है, इसलिए नियमित रूप से मशरूम का सेवन करें। चुकंदर व गाजर। चुकंदर हमारे शरीर के लिए उतना ही जरूरी है जितना कि गाजर या मशरूम। चुकंदर हमारे शरीर में रक्त को बढ़ाने का काम करता है, रेड ब्लड सेल यानी कि RBC। RBC को बढ़ाने में चुकंदर काफ़ी मदद करता है। RBC की वजह से ही हमारे खून का रंग लाल होता है। RBC के बगैर मानव जिंदा नहीं रह सकता, इस RBC को संतुलित रखना बेहद जरूरी है। हरी सब्जियाँ। हरी सब्जियों के बगैर आपका आहार संतुलित हो ही नहीं सकता। हरी सब्जियाँ तो ऐसा रामबाण है जो हर मौसम, हर पल, हर दिन आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाती और तरोताज़ा रखती है। हरी सब्जियों में कई तरह के विटामिन और प्रोटीन पाए जाते हैं। ये सभी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और आपको स्वस्थ रखने का काम करते हैं। अपने भोजन की थाली में हरी सब्जियों को ज़्यादा से ज़्यादा जगह दें। ताज़ी हरी सब्जियों का ही इस्तेमाल करें। मौसमी फल। मौसमी फल के बगैर आप स्वस्थ रहने के बारे में सोच भी नहीं सकते। जितना ज़रूरी आपके लिए चावल, दाल और रोटी है, उससे कई गुना ज़्यादा ज़रूरी है मौसमी फल। डॉक्टर के अनुसार इस मौसम में गहरे रंग वाले फल नियमित रूप से खाना चाहिए। संतरा, पपीता, खरबूजा, सेब, अंगूर, अनार आदि फलों में कई तरह के विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो आपके शरीर के लिए बेहद जरूरी है। दही। डाइटिशियन सुषमा के अनुसार दही में लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया पाया जाता है जो हमारे शरीर के लिए बेहद लाभदायक है। यह आपके खाने को पचाने का काम करता है। स्वस्थ रहने के लिए ये बेहद जरूरी है कि आपका खाना सही तरह से पच जाए। जब भोजन का उचित प्रकार से पाचन होगा तभी यह आपके शरीर के लिए फायदेमंद होगा। ऐसे में जरूरी है कि आप अपने भोजन को पचाने और शरीर के लिए लाभदायक बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस को बढ़ाने के लिए दही का सेवन करें। ग्रीन टी। इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कई तरह के कैंसर से बचाव करते हैं। ग्रीन टी छोटी आंत में पैदा होने वाले गंदे बैक्टीरिया को पनपने से रोकती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि दिन में 3 कप ग्रीन टी शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाती है। अंजीर। अंजीर में पोटेशियम, मैग्नीज एवं एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं।
अंजीर की मदद से शरीर के भीतर पीएच का सही स्तर बनाए रखने में मदद मिलती है। अंजीर में फाइबर होता है जो ब्लड शुगर लेवल को कम कर देता है। च्यवनप्राश, च्यवनप्राश को आयुर्वेद में सबसे बढ़िया रसायन माना गया है। इसे बनाने में मुख्य रूप से ताज़ा आंवले का इस्तेमाल होता है। इसमें अश्वगंधा, शतावरी, गिलोय समेत कुछ 40 जड़ी बूटियां डाली जाती हैं। च्यवनप्राश प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में बेहद मददगार होता है। च्यवनप्राश रोजाना सुबह खाली पेट एक चम्मच लेना चाहिए। स्वच्छ पानी, स्वच्छ शरीर के लिए स्वच्छ पानी अति आवश्यक है। पानी की वजह से कई तरह के संक्रमण और बीमारियों का सामना करना पड़ता है। गंदा पानी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देता है, इसलिए हमेशा स्वच्छ पानी ही पिएं और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की कोशिश करें। प्रतिदिन कम से कम 5 से 6 लीटर पानी निश्चित ही पिएं। इन्हें ना खाएं तो बेहतर। ज़्यादा मीठा, कुछ मीठा हो जाए ये तो चलता है, लेकिन ज़्यादा मीठा खाना ठीक नहीं। ज़्यादा मीठा खाने से आपके शरीर में इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाएगी, जो इम्यून सिस्टम को प्रभावित कर सकती है। कोल्ड ड्रिंक, जैम, मिठाई आदि कम से कम ही खाएं। फास्ट फूड, पिज्ज़ा, बर्गर जैसे फास्ट फूड का ज़्यादा सेवन आपके शरीर के लिए ठीक नहीं है। इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है और मोटापे की आशंका अत्यधिक रहती है। ज़्यादा तेल मसाले, कभी भी ज़्यादा तेल मसाले ना खाएं। यह कभी भी आपको हेल्दी नहीं बनाते, बल्कि आपकी सेहत का नुकसान ही करते हैं। सब्सक्राइब करें। आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।